मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक। Hey, नीलू जी की चमची, I love you. उसने I love you मिसेस सूद से कहा है, करीना से नहीं। और अगर सच्चाई सामने आ गई तो लाइए को। बाप रे। अब जो इस एरो को घुमाएगा वो सवाल पूछेगा, और जिस पर ये एरो आकर रुकता है वो सच बोलेगा या फिर डेयर करेगा। अगर आपको पता चले कि जिस लड़की से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो आपसे झूठ कह रही है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं उसके साथ वही करूंगा जो मैंने आरजे करीना के साथ। ये रहा मेरा कॉलम और ये रहा तुषार का कॉलम। तुषार के लिए झूठ सबसे बड़ा गुनाह और मेरे लिए झूठ सबसे बड़ा सहारा। तुषार को प्यार है मिसेस सूद से, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। प्यार चिट। ओ गॉड, ऐसे तो हम कभी नहीं मिल सकते। अगर मैं टिल्लू के झूठ को हमेशा के लिए मिसेस सूद के सच में बदल दूं और करीना को हमेशा के लिए भूल ही जाऊं तो? सोच करीना, तुम सिर्फ एक डाइवोर्सी हो, उसकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा हो चुका है और जिसका डाइवोर्स भी हो चुका है, बस यही तुम्हारा सच है। सच सच सच। लेकिन अगर यही सच है तो फिर मैंने तुषार से झूठ बोला ही नहीं, और अगर तुषार से झूठ नहीं बोला है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम तो है, और वैसे भी मैं इस झूठ को सच में तो नहीं बदल सकती। और दादू और मॉम से क्या कहूंगी, उनका दिल तो नहीं तोड़ सकती। मेरे से शतरंज खेलना सीख लिया, मेरे को कंप्यूटर नहीं सिखा रहा। अरे दादू ये तो बहुत आसान है, शतरंज सीखने से भी आसान है, मैं सिखाता हूँ। देखिए, तो तू एक काम कर, कमल को सिखा दे, फिर ये इस कंप्यूटर के जरिए घंटों बैठकर अपनी बेटी करु से बात करेगी। हाँ भौजी आप क्या कह रहे हैं, नहीं बेटा मुझे नहीं सीखना। अरे आंटी इट्स वेरी सिंपल, देखिए ये जो होता है ना छोटा सा ये जो माउस होता है, ये आप कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए ये कर्सर को। ओके, ये देखिए ये जो एरो है, सपोज ये यहाँ शिफ्ट हो गया, अगर आपने इस पे डबल क्लिक किया तो फाइल ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। आप लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, दरअसल काल ये है पुत्र कि तू हमारे साथ इतने दिन से रह रहा है, तेरे बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन तेरे परिवार वालों के बारे में, अब तेरे पिताजी के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या करते हैं वो? डैड हमारे साथ नहीं रहते। मतलब? मतलब मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे तुम्हारी माताजी क्या करते हैं? वो मुझे सैलरी देती है, मतलब मेरी बॉस है,
रेडियो स्टेशन चलाती है। और भाई बहन? मैं अकेला काफी नहीं हूँ क्या? सॉरी, नो भाई नो बहन। वैसे आप लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही, मतलब हमने सोचा कि अगर तेरी शिकायत लगानी हो तो फिर किससे करेंगे? क्या कह रहे हैं बाबूजी? पुत्र बुरा मत मानना, इनका मतलब तेरी तारीफ से है। अच्छा, आप लोग मॉम से बात करना चाहते हैं? हाँ हाँ। आपको एडवांस में अपॉइंटमेंट लेनी होगी मॉम से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग मेरी तारीफ करते हुए मॉम के पास जाते हैं, फिर मॉम को उनके घर जाना पड़ता है। क्यों? उनकी बेटी की तारीफ करने। अच्छा अच्छा, यानी तेरे लिए रिश्ते वालों की लाइन लगी रहती है। हाँ, क्या करें, किस किस को रोके। वैसे भी आजकल मेरे जैसा लड़का मिलता कहाँ है, और मॉम तो दिन रात एक ही रट लगाती है, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। तो फिर उनकी बात मान क्यों नहीं लेते हैं पुत्र? मुझे इस वक्त शादी नहीं करनी है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। पुत्र, शादी तो एक ना एक दिन करनी है ना। हाँ आंटी, जिस दिन कोई अच्छी लड़की मिली ना, कर लूंगा। अच्छा ठीक है पुत्र, रात बहुत हो गई है, अब तू आराम कर। अरे क्या रात बहुत हो गई है, अभी तो महफिल जमी है, आई ना बैठ। नहीं नहीं बेटा, वाकई रात बहुत हो गई है, तुम्हें भी जल्दी उठना है ना सुबह, अब सो जाओ। ओके चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है रात काफी देर तक सोई नहीं थी। हाँ, ट्रूथ एंड डेयर गेम के बारे में सोच रही थी। क्यों भाई, ऐसा क्या था उस गेम में जिसने तुम्हें इतनी रात तक जगाया? ये सोच रही थी कि आरजे करीना ने कुछ गलत नहीं किया है। आरजे करीना? पम्मी, जिसने आरजे करीना बनके आपसे प्यार किया था। वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। आपकी गलती? मैं उससे प्यार कर बैठा और उसके झूठ को सच समझ बैठा। लेकिन उसने झूठ तो आपको पाने के लिए कहा था, राइट? देखो, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्यार को किसी भी झूठ के सहारे से पाया नहीं जा सकता, और तुम्हारा और मेरा रिश्ता इसलिए है कि तुम मेरे लिए खुली किताब की तरह हो। सच कह रहा हूँ ना मैं? नहीं। क्या? हमारा रिश्ता तो सच और झूठ से काफी आगे निकल चुका है। एक्शन! ओह गॉड, टिल्लू, हमारी कहानी का विलन, लगता है आज तो क्लाइमैक्स होकर ही रहेगा। अरे यहाँ पर तो शूटिंग चल रही है। अरे नहीं, जेब कतरों की नई ट्रिक है। मतलब? आप वहाँ मत जाइए, आपकी जेब काट लेंगे। क्या बात करें, अरे इस बच्चे को देखो, बिल्कुल हमारे टिल्लू की तरह लग रहा है। टिल्लू? नहीं नहीं, टिल्लू यहाँ कहाँ होगा, वो तो घर पे आराम से सो रहा है। अरे फिर भी चलकर देखते हैं कर क्या रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए चलिए वापस चलते हैं, मुझे देर हो रही है, योगा करना है ना, प्लीज चलिए चलिए चलिए। टिल्लू, टिल्लू बेटा, सीमा, सीमा खान उसको घुमाने के लिए लेकर गई होगी। क्या हुआ? ये रही, टिल्लू कहाँ है? कमरे में सो रहा है ना। हाँ कमरे में सो रहा है, कहाँ जाएगा टिल्लू, सो रहा है। और सोते हुए बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना वो उठ के हमें ही तंग करेगा। ठीक है। अरे भाई अब तुम कहाँ जा रही हो? योगा, योगा करने। अरे टिल्लू वहाँ सो रहा है, अगर जग गया तो फिर हम योगा कहाँ करें? मेरे कमरे में करो योगा। तुम सिर्फ 2 मिनट वेट करो, मैं अपना रूम ठीक करके आता हूँ, फिर तुम आराम से योगा करना, ओके? मुझे मरवाओगी तुम एक दिन। तेरे को शूट पे क्यों भेजा? क्या करती मैं? मॉडलिंग वाले पीछे पड़े हुए थे तो भेज दिया। और तुम यहाँ आओ, टिल्लू को अकेला छोड़ दिया? शूट वाले बहुत ख्याल रखते हैं टिल्लू का, आप भी तो थोड़ा ख्याल रखा करो। रूम तैयार है योगा के लिए, चले। All yours. Ah, not bad. Beautiful. तो फिर अब मिलते हैं 2 घंटे बाद। Okay. दो घंटे पहले आ सकता हूँ मैं रूम में कभी एक बार? Well, no way. क्योंकि अब ये कमरा 2 घंटे के लिए मेरा है। Please. Okay, bye. Bye. Oh God, कहाँ फंस गई मैं? अब रेडियो करे कैसे जाऊंगी?
करीना। हाय। लो, अगर फोन करता तो कहती चमत्कार में हूँ, डिस्टर्ब कर दिया। देखो मैं ये फोन फेंक कर मारूंगी। अच्छा अच्छा, क्यों सुबह सुबह नुकसान कर रही हो, बताओ क्या हुआ? शॉर्ट में सुन लो, मुझे आज रेडियो करी तुषार के कपड़ों में आना पड़ा। हे नॉट फेयर, आज तक तो तुमने मेरे कपड़े कभी नहीं पहने और मौका मिलते ही तुषार के कपड़े पहन लिए। वैसे उन कपड़ों में तुम काफी क्यूट लग रही होगी। हाँ सब हंस रहे हैं कि रोज रोज की टेंशन से ना मैं तंग आ गई हूँ। और ये टेंशन तुम ही ना अपने सर ली है। और अब इसी टेंशन के चक्कर में मैं चमत्कार छोड़ रही हूँ। क्या तुम चमत्कार छोड़ रही हो? अब are you sure? हाँ, अब मैं वहाँ नहीं रह सकती। मुझे नहीं लगता कि तुम तुषार से दूर रह पाओगी। दूर तो मैं उसके पास रहकर भी हूँ अपने झूठ की वजह से। चाहे तुम कितने भी झूठ बोल दो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्ती में सब अलाउड है। जानती हूँ, अब दोस्ती तो काम आते हैं। अरे हाँ याद आया, मेरा एक दोस्त है, वो अपना घर किराए पे देना चाहता है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। वेरी गुड, और तुम उसे ये भी कह देना कि डिपॉजिट तुम ही दोगे, राइट? ठीक है, दे दूंगा दे दूंगा। खुश? ओके टेक केयर, बाय। बैड मैनर्स, दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। क्यों, दोस्ती में सब अलाउड है। अरे तुम यहाँ? योगा अभी खत्म किया है ना? तुम तो मेरे कमरे में थी। जी थी। फिर? फिर मैं अपने कमरे में आ गई। क्यों, मेरे कमरे में दिल नहीं लगा तुम्हारा? हमारा अपने कमरे में ही दिल लगता है। ये फाइल में क्या है? एक सरप्राइज। क्या? तुम्हारे देखने के लिए नहीं है। अब तो मैं देख कर ही रहूंगी। देखो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एफडी दिल्लू के लिए? मुझसे पूछे बिना? अगर तुमसे पूछता तो तुम करने ही नहीं देती। तो आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि अब हम आपको ये करने देंगे? करीना तुम एक माँ होकर इस बात को गलत समझती हो, सीमा खान भी इस बात को ठीक समझती है। सीमा? हाँ, उसी ने तो मुझे आइडिया दिया। अच्छा तो ये उसका काम है। अब इसमें इतना अपसेट होने की कौन सी बात है? आपको एक बार हमसे तो पूछ लेना था। ठीक है, मैं पराया ही सही। अरे हीरो, तुम तो मेरे अपने ही हो, लेकिन कहीं बैंक वालों को ये पता चल गया कि टिल्लू रीमा खान का बेटा है तो हमारी लव स्टोरी तो हमेशा के लिए किसी बैंक लॉकर में बंद हो जाएगी। देखिए आप कुछ दिन और रुक जाइए बस, और जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आप जो है ना भावुक हो रही हैं। नहीं पार्टनर, जो मैं कर रही हूँ सब सोच समझ के कर रही हूँ। तुषार का प्यार तो पा लिया है, बस अब उसका भरोसा जीतना बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से अलग होकर भरोसा जीत लेंगे? हाँ, और साथ में सीमा खान और टिल्लू से भी पीछा छूट जाएगा। ओहो भैया, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ तुषार के पास आए और जब वो आपसे प्यार करने लगा है तो आप उसे छोड़कर जा रही हैं। मैं इसीलिए चमत्कार से जा रही हूँ ताकि चमत्कार में वापस आ सकूं। वेकेशन शुरू होने वाले हैं तो आप हमें बताइए कि आप इस बार किधर जा रहे हैं? अपने फेवरेट रेडियो कुश्ती कानपुर पर, जहां पर आप सुनेंगे बेसुरे गाने, जहां के ओनर मिस्टर प्रेम मोटवानी आजकल अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। तो अपना फोन उठाइए और अपने फेवरेट आरजे करीना को बताइए। क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहा, मैं तो सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। नहीं नहीं, अभी तुमने करीना का नाम लेकर कुछ कहा। तुम्हें करीना के अलावा कुछ सुनाई देता है? This is enough, yeah. तुम मुझे इस तरह ट्रेन करते रहोगे तो तुम्हारा शो तो फ्लॉप होगा ही, मेरे करियर का भी दी एंड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? टेंशन में मैं नहीं, टेंशन में करीना है।
पे बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। तो फिर जाओ ना, अपनी करीना के पास जाओ। गया था, उसे रंग भी लगाया था, तो क्या फायदा हुआ? तुम्हें क्या लगा था तुम करीना को रंग लगाओगे, आसमानों में से घंटियां बजने लग जाएंगी, बैकग्राउंड म्यूजिक तेज हो जाएगा, वो चिल्लाएगी प्रेम आई लव यू। तुमने अब तक करीना को पाने के लिए किया ही क्या है? मैं जो कर सकता था मैंने सब किया। गॉड, अभी हीरो कहां चला गया? अब इसको भी तो बताना पड़ेगा कि मैं चमत्कार छोड़कर जा रही हूं। अरे आप यहां पे क्या कर रही हैं? अब जी वो तुम्हारा तो मेरे कमरे में दिल नहीं लगता ना। जी मैं आप ही से मिलने आई थी। मेरे पास? तुम मुझसे कुछ कहने आई थी ना? हाँ। टिल्लू ने कोई शरारत की? हाँ बहुत शरारती हो गया है, बिना एसी के उसे नींद ही नहीं आती। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए बहुत बुरी बात है। God bless you. मगर क्यों? वो क्या है ना, मुझे एसी की आदत नहीं है, बहुत छीके आती है। तो एसी ऑफ करके सो जाओ। Bless you. तब टिल्लू को नींद नहीं आती है। Oh, okay. Excuse me. इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं चमत्कार छोड़ दूंगी। क्या मतलब? टिल्लू की आदतें यहाँ रहकर बिगड़ रही हैं। और वैसे भी मुझे यहाँ जिंदगी भर तो रहना नहीं है। तो ये ना हो कि मैं टिल्लू के नखरे उठा ही ना पाऊँ। लेकिन तुम अचानक जा कैसे सकती हो? आपको क्या लगता है मैं जाना चाहती हूँ? पर क्या करूँ, इससे पहले कि नीलू जी को हम दोनों के बारे में पता चल जाए और वो मुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दे, अच्छा है खुद ही निकल जाओ। Bless you. लेकिन ये क्या बात हुई? Bless you, but listen. I'm so sorry, मुझे बहुत छिक आ रही है। अच्छा तो तुम कह रही हो कि मैं उसके घर पहुंच जाऊं एकदम फिल्मी स्टाइल में, उसको नींद से जगाऊं, उसका हाथ पकड़ लूं, उसके साथ नाचूं गाऊं, उसको ऐसे वर्ल्ड ले जाऊं, वहां झूला झूलूं और उसको कहूं कि हे सेनोरिटा, मैं यहां तुम्हें झूला झुलाने नहीं लाया हूं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रपोज करने आया हूं, राइट? हां, करीना को पाने के लिए ऐसा ही कुछ करना होगा। आई डोंट थिंक सो। इसका मतलब तुम करीना से प्यार ही नहीं करते? लुक, मैं करीना से प्यार करता हूं मगर ये सब नहीं कर सकता। ये क्या कर रही हो? हम मुंबई जा रहे हैं। मेरे मुंबई जाने का फैसला तुम कैसे ले सकती हो? क्योंकि मेरा ड्रीम तुम्हारे यहाँ पे ऐसे बैठे रहने से पूरा नहीं होगा। मतलब? अरे यार, मैंने तुमसे फ्रेंडशिप इसीलिए ही तो किया था कि तुम मुंबई जाकर मुझे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से मिला। ओह, बहुत सेल्फिश निकली तुम। सच बोलती तो सेल्फिश हो गई। ठीक है मैं सेल्फिश हूँ, पर मैं तुम्हें मुंबई लेकर जाऊंगी। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या कि गोद में उठाकर ले जाओगी? हाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठकर तो मेरे बारे में तो सोचोगे नहीं। और मुंबई आकर? अरे वहाँ पे तो मैं करीना से मिला दूंगी ना, तुम खुश हो जाओगे और तुम मुझे पॉपस्टार बना दो तो मैं खुश हो जाऊंगी। वाह, कितनी ऑनेस्टी से तुमने अपना सेल्फिश प्रोग्राम बता दिया। आजकल टाइम किसके पास है। प्रेम, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आई एम। तो फिर चले मुंबई? ओ कम ऑन यार, मुझे पॉप स्टार बनने की बहुत जल्दी है, और देखना करीना भी तुम्हारी बहुत जल्द हो जाएगी। डियो सॉरी सर, ये मेरी वजह से आपको भी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आई एम एंजॉयिंग इट। अब कंपटीशन करते हैं ज्यादा तेज कौन छींकेगा। सर मैं चलती हूँ। मगर कहाँ? सर अगर मैं यहाँ रही तो आपका हाल बुरा हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें टिल्लू के बहाने यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब मैं यहाँ जिंदगी भर तो नहीं रहने आई थी, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं आप प्यार करते हैं ना मुझसे, तो फिर मुझे प्लीज जाने दीजिए। देखिए मैं कहीं भी जाऊं लेकिन वापस यहीं आऊंगी।
प्यार की दलील देकर चली गई। मगर मैं भी करीना को यकीन दिलाऊंगा कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। कल सुबह मॉम से बात करूंगा और फिर उनकी बात करीना की मॉम और उनके दादू से कराऊंगा। वो लोग हमारी शादी की बात पक्की कर देंगे और फिर करीना सिर्फ मेरी होगी, उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ मेरे पास।